एक बार फिर हम आए। अभी एक्टिव पैसिव की क्लास हुई थी, अभी हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो टेंस एंड ट्रांसलेशन आपने पिछली बार भी पढ़ा था, हम लोगों ने पिछली बार भी टेंस एंड ट्रांसलेशन पढ़ा था। उस टाइम मैंने आपको बताया था, मेरा नाम विजय वर्मा है, हाई स्कूल सिरवाड़ से मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास के लिए आया हूँ पढ़ाने के लिए। टेंस एंड ट्रांसलेशन जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टेंस को पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने जो है लास्ट क्लास में देखी थी। आज जो हमारी क्लास है इसमें फिर एक हम इम्पोर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, क्या पहचानने की विधि है उनको, क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, सिंटैक्स क्या है, सेंटेंस के रूल क्या है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी इस क्लास में। और फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो जिनके की आंसर्स मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को उसके जवाब देना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट टेंस एंड ट्रांसलेशन। पहली जो चीज हम देख रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस अगर इसमें आता है, चार होते हैं सिंपल पास्ट टेंस, हम लोग बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको टीचर्स बोलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल पास्ट की बात करें, जिस तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट की थी, इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का भी एक तरीका होता है। हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, जो लोग चाहते हुए कि इसको पहचानेंगे कैसे। अक्सर हम लोगों को ये दिक्कत होती है कि सेंटेंस तो मालूम है हमें कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो किस टेंस में है हमें स्ट्रक्चर भी मालूम है। मुझे मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस का क्या है, लेकिन मैं इसको कौन से स्ट्रक्चर में जमाऊं, किस फ्रेम में फिट करूं, ये पता नहीं होता है। इसलिए हम लोग पहचानेंगे। तो देखिए पहचान लिखा हुआ है, इस टेंस के वाक्यों में काम का करना होना भूतकाल में पाया जाता है, मतलब पास्ट की बातें होती है, पुरानी बातें होती है। अब ऐसे वाक्यों के अंत में आ या ई या ये, यो, त, थ, ते, थे, सेंटेंस के एंड में देख सकते हैं कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, क्या या आ रहा है, सॉरी ई आ रहा है, या आ रहा है, ये आ रहा है, यो आ रहा है, या त की मात्रा है, ता में आ की मात्रा है, था है, ते थे, ती थे, ऐसे शब्दों में अगर वाक्य के हमारा अंत होता है तो हम उन वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस में ऐसे वाक्यों को हम लोग रखते हैं, ठीक है। आपको आ रहा है समझ में, तो ये आप एक काम कर सकते हैं, जो स्लाइड पर लिखा है वो देखकर लिख सकते हैं, सभी स्लाइड पर जो लिखा हुआ उसको नोट कर सकते हैं कि हम लोग टेंस को किस तरह से पहचानेंगे। मैं देख रहा हूँ मुरैना के बच्चे लिख रहे हैं नीचे बैठकर, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आप नोट करने के बाद आप लोग वाक्य को पहचान लेंगे, इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं तो शॉर्ट में लिख लीजिए जल्दी, कि भैया इस वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में ये जो शब्द लिखे हुए, नीचे जो अक्षर लिखे हुए वो ध्यान से आ या ई ये यो त थ ते थे ती थे आते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ नियम है, ये तो हमने वाक्य को पहचान लिया। अब वाक्य को पहचानने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो आप देखिए पहला तो रूल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है था, थी, थे के लिए जब वे किसी काम से जुड़े होते हैं तो वॉस अथवा वेयर का प्रयोग करते हैं। मतलब वैसे तो हमारा सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो लेकिन कहीं कहीं पर वाक्य का अंत जो होता है वो था, थी या थे पे होता है। अगर ऐसा है तो जैसे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमने देखा है कि है, हूं, इस तरह से अगर एंड होता था तो हम लोग उसमें इज, एम और आर का प्रयोग करते थे, वैसे ही पास्ट इनडेफिनिट टेंस में यदि वाक्य था, थी या थे पर होता है तो ऐसे वाक्यों में हमें वॉज और वेयर का यूज करना पड़ता है, जहां पे वॉज और वेयर खुद एक वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं। दूसरा देखिए रूल नंबर दो,
एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो इसमें जैसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे उसमें अगर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो हमने उसमें देखा था एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल होता है तो एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस टेंस में एक वचन तथा बहुवचन दोनों में ही सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, फ्रेंड्स हो, फ्रेंड हो, या नाम हो, एक से अधिक नाम हो, सब में वर्ब का सिर्फ सेकेंड फॉर्म आएगा। इसके लिए लिखा देखिए उदाहरण एक से छह जो हम लोग आगे देखेंगे। रूल नंबर 3, सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो की वही बात है कि वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में होता है, चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे नाउन प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सॉरी तो हम लोग उसमें जो है वर्ब से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही रहेगा। तो ये तीन हमने इंपॉर्टेंट रूल देखे पास्ट टेंस के लिए, सिंपल पास्ट के लिए। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स मतलब वो तो रूल हो गए, लेकिन इसका देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग कर्ता को रखते हैं, सब्जेक्ट को, फिर हम लोग रखते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को, और फिर लास्ट में हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इस स्ट्रक्चर में ये वाला जो हमने जो एक स्ट्रक्चर देखा है वाक्य को बनाने की, जो संरचना, वाक्य संरचना का जो नियम है वो देखा। इस नियम को अगर हम पीछे वाले जो रूल्स हैं उन पर लगाएं तो देखो, मैंने पहली बात कही थी कि इसमें वर्ब का हमेशा सेकेंड फॉर्म आता है। दूसरी बात है वर्ब पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि वाज वेयर का यूज करें। तो उन वाक्यों की पहचान मैंने अलग बताई आपको कि अगर था, थी, थे पर अगर वाक्य अंत हुआ तो वहां पर हम लोग वाज और वेयर का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल, कुर्सी बनाई। बड़ाई कौन होते हैं? जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में कारपेंटर बोलते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे शब्दों को याद करें, नाउन और वर्ब को। तो द कारपेंटर, अब उसके आगे देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट को सबसे पहले रख दिया। फिर उसी में था बनाई, क्रिया क्या था उसमें? बनाई, बनाई को बोलते हैं मेक, और मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड। तो हमने यहाँ पर मेड रखा, द कारपेंटर मेड, सेकेंड फॉर्म द वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज बनाई? चेयर, तो चेयर को लास्ट में रखा, अ चेयर। तो हमारा सेंटेंस का अनुवाद किया हमने नियम अनुसार, बड़ाई ने एक कुर्सी बनाई, द कारपेंटर मेड अ चेयर। ठीक है, सो हम लोगों ने इस तरह से इसको ठीक किया सेंटेंस। एक बार और पढ़कर देख लीजिए, बड़ाई ने एक कुर्सी बनाई, द कारपेंटर मेड अ चेयर। वो एक के लिए हम लोगों ने ए का यूज किया हुआ डिटर्मिनर का। ठीक है, आया समझ में? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो आप लोग अपना हाथ ऊंचा करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ठीक है समझ में, आगे बढ़ते हैं। कोई भी, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? बालाघाट, जबलपुर, सतना के बच्चे बैठे हुए हैं, धार, आप लोगों को बेटा सुनाई दे रही है आवाज? आप लोगों ने ये देखा जो रूल लिखा हुआ है हमने उसके अकॉर्डिंग हमने जो सेंटेंस बनाया है वो देखा आप लोगों ने? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं जहां पर आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करना है। देखिए ये उसी के ऊपर कुछ उदाहरण है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसके लिए 5 मिनट दूंगा और साथ ही में मैं इनके आंसर्स भी आपको दे दूंगा। अब हमें पहचानना है इन वाक्यों में क्या क्या करना है। उसने कल मुझे एक कलम दिया, दी बोल सकते हैं या दिया, तो उसने इसमें सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मुझे। क्या किया उसने? कलम दी, ये इसमें वर्ब है दिया। कब दिया वो भी लिखना है, कल, कल को हम लोग क्या बोलते हैं? बीते हुए कल को, यस्टरडे। तो ऐसे शब्दों को पहचानिए, उसने को क्या बोलते हैं? ही। देने को क्या बोलते हैं? गिव। और गिव का सेकेंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। और इस तरह से सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा देखिए, मैं इस घर में रहता था,
सर देखिए, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, उसने अपना पाठ याद किया। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमने नियमावली पढ़ी थी, पहचान करना पड़ा था, तो देखो पहले में बड़ा है या की मात्रा, या में आ की मात्रा लगी या, दूसरा था, तीसरा है या, फिर या और फिर ख, सब में आ की मात्रा में एंड हुए हैं। सॉरी, तो हम लोगों को पता चला कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं सिंपल पास में हैं। सिंपल पास का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप लोग इसके आंसर्स देख सकते हैं, अगर आपने हिंदी में लिख लिए तो, अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किए तो ठीक, नहीं किए तो आंसर्स देख लीजिए एक बार और कोशिश कीजिए क्या ऐसा ही कुछ आप कर रहे थे। पहले का आंसर देखिए, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे। ही उसने गेव दिया मुझे एक पेन कल। तो वही वाक्य है जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर के अनुसार जमा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही गेव मी अ पेन, पहला सेंटेंस। दूसरा, मैं इस घर में रहता था, रहा भी बोल सकते हैं, रहता था भी बोल सकते हैं, मैं इस घर में रहा, आई लिव्ड इन दिस हाउस। आई, मैं, रहता था, उसको लिखा है लिव्ड, किस में, इस घर में, इन दिस हाउस। तीसरा सेंटेंस देखिए, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। मोहन कल अपने पिताजी को देखने के लिए दिल्ली गया। मोहन के लिए मोहन ही लिखा सब्जेक्ट, गया के लिए वेंट, कहाँ गया, टू दिल्ली, किस लिए गया, टू सी हिज फादर, कब गया, यस्टरडे। चौथा सेंटेंस देखिए, वी लर्नड अवर लेसन, हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्नड अवर लेसन, हमने अपना पाठ याद किया। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वन इज, शी रोट ए लेटर टू हर फादर, लिखा हुआ है, ERB है इसमें, फादर, शी रोट अ लेटर टू हर फादर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसी में अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ा और उसका इंग्लिश में अनुवाद करना पड़ा तो क्या अंतर आ जाएगा। तो इसका नियम पहला देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। थोड़ा सा चेंज आया है स्ट्रक्चर में, चेंज क्या आया देखिए आप लोग, चेंज ये आया है कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, और अगर डिड नॉट लगा है जहां पर भी डिड का प्रयोग किया गया है तो वर्ब ऑटोमेटिकली अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है। दूसरा नियम है इसका, यदि वाक्य में कभी नहीं आया है, मान लो वाक्य में ऐसा लिखा कि मैं स्कूल कभी नहीं गया, मैं स्कूल कभी नहीं गया, कभी नहीं अगर शब्द आया है तो वहां पर डिड नॉट नहीं लगाते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर, ये इंपॉर्टेंट है आप नोट कर सकते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, मतलब डिड नॉट को हटाकर हम लोग नेवर लगा सकते हैं, लेकिन कहां, ये पहचानना होगा आपको, किस वाक्य में, जिस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। इसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे अभी पीछे। तो फिर से हम लोग देखते हैं रूल नंबर वन, नेगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं दिया है या आया है तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपने ये नियम लिख लिए तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बालाघाट बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, लिख लिया बेटा आप लोगों ने, आप हाथ उठाकर अपनी सहमति दे सकते हैं। बालाघाट, हाँ लिख लिया, ठीक है। तो आगे हम लोग इसके सिंटेक्स, इसका तरीका क्या हुआ, जो हमने पीछे नियम पढ़े वही देखो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहां पर मैंने दो एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, देखिए वो नेवर वाला भी दिया है कि अगर वाक्य में कभी नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं। देखो, वह कल हॉकी नहीं खेला,
नहीं के लिए डिड नॉट लगाया, वह के लिए ही लगाया. सब्जेक्ट कौन था? वह, तो हमने लिखा ही. नहीं खेला के लिए डिड नॉट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्ले. हॉकी क्या नहीं खेला? हॉकी कब? यस्टरडे. डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे इसका ट्रांसलेशन हुआ. वे कल हॉकी नहीं खेला. ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे. सो आई होप यू गॉट इट. आपको समझ में आया होगा, वे कल हॉकी नहीं खेला. ही डिड नॉट प्ले हॉकी. दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला नेवर का यूज कैसे करते हैं. मैं कभी देर से नहीं आया. मैं आई, कभी नहीं के लिए नेवर, आने के लिए केम, लेट. यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म ही आएगी नेवर के साथ. मतलब अगर नेवर का स्ट्रक्चर देखना है तो सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ सेकंड फॉर्म ही आएगा. इसमें फॉर्म का बदलाव नहीं करना. फॉर्म का बदलाव कब करना है? जब हम वाक्य में डिड नॉट का यूज करेंगे तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे. यदि डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, उसके स्थान पर नेवर लगाएंगे, नेवर आने पर डिड नॉट नहीं आएगा और नेवर आने पर वर्ब के फॉर्म में भी कोई बदलाव नहीं होगा. ये ध्यान से आप लोग सुन लेंगे. इसके उदाहरण देखिए कुछ, आप लोग जो आपको करना है कोशिश कीजिए बदलने की. इन वाक्यों को इंग्लिश में बदलने की कोशिश कीजिए. इन वाक्यों को इंग्लिश में बदलने की कोशिश कीजिए. सतना के बच्चों से बोल रहा हूं मैं, इन वाक्यों को बदलने की कोशिश कीजिए. मुरैना सभी लोगों को करना है, लेकिन मैं पूछने वाला हूं, आप लोग मुझे हाथ उठाकर सहमति देंगे कि हाँ अगर हम लोगों ने बदल लिए. और सब मुरैना के बच्चों से पूछ रहा हूं, आप लोगों ने किया है इसको? करने की कोशिश कीजिए. हिंदी में लिखे, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको. मुरैना के बच्चे जब आप कर लें हाथ उठाएं, मैं नेक्स्ट स्लाइड लगाऊंगा उस पे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर होंगे. सॉरी, इनको लिखने से ये फायदा होगा कि अगली स्लाइड में इन्हीं के उत्तर दिए जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं आपने जो किए वो. देखिए पहला वाक्य है, वह कल हॉकी नहीं खेला. लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया. मैं कभी देर से नहीं आया. ये दो वाक्य अभी हमने फिर से रिपीट किए पीछे एग्जांपल वाले. सीता ने मधुर गाना नहीं गाया. तुम स्कूल नहीं गए. सारे के सारे सिंपल पास्ट में हैं, लेकिन ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस हैं, नकारात्मक वाक्य हैं, जिनमें नहीं का प्रयोग किया गया है. तो आप लोगों को बताया, ऐसे में हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं. लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाते हैं, और डिड नॉट में लगने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे. तो देखिए पहले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वह. फिर डिड नॉट लगा देंगे. फिर खेलना, इसमें वर्ब है तो खेला को हम लोग लिखेंगे प्ले. ही डिड नॉट प्ले. क्या? हॉकी. कब? यस्टरडे. ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, पहला सेंटेंस हुआ. दूसरा, लड़कों ने अपना पार्ट याद नहीं किया. ये भी आप लोग देख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसने नहीं किया? लड़कों ने. तो द बॉयज. फिर क्या आएगा? डिड नॉट लर्न देयर लेसन. डिड नॉट लर्न देयर लेसन. मैं कभी देर से नहीं आया. कभी नहीं जिस वाक्य में होता है उसमें नेवर का प्रयोग करते हैं. आई नेवर केम लेट, तीसरे वाले का. चौथा देखते हैं, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया. सीता डिड नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग. तुम स्कूल नहीं गए. तुम मतलब हुआ यू. नहीं गए के लिए डिड नॉट, गए के लिए गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. और कहां नहीं गए? Did not go to school. आप लोग इन सबके आंसर्स देख सकते हैं, अगली स्लाइड पे आंसर्स आ जाएंगे. ये देखिए आप लोग अगर चेक करना चाहें तो अपने आंसर्स मिला सकते हैं आप लोग. He did not play hockey yesterday. The boys did not learn their lesson. I never came late. Sita did not sing a sweet song.
यू डिड नॉट गो टू स्कूल, सारे सेंटेंसेस के आंसर्स दिए हुए हैं। तो अब हमने देखा, पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन स्ट्रक्चर हम अभी देख चुके हैं। चौथे स्ट्रक्चर पर हम अगली स्लाइड में जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं अगली स्लाइड, ये आंसर्स आप लोगों ने नोट देखिए। अब हम आ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, मतलब पहले हमने अनुवाद सीखा पॉजिटिव का, फिर हमने अनुवाद सीखा नेगेटिव का। अब अगर प्रश्नात्मक वाक्य आए तो उन प्रश्नात्मक वाक्यों को किस तरह से बदला जाएगा, ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वाक्य में क्या है तो कर्ता से पहले लगाते हैं, देखो नियम भी लिखा हुआ है। अगर वाक्य में क्या लगा है, मतलब पहले शुरू ही हुआ है, देखो आप उदाहरण भी दिया है, क्या उसने किताब पढ़ी, तो क्या लिखा हुआ है अगर वाक्य में, तो क्या को कर्ता से पहले लिखते हैं, किसको, डिड को। डिड से मीनिंग बनेगा क्या। जब भी कोई सहायक क्रिया कर्ता के पहले आती है, चाहे वो डिड हो, इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वेयर हो, हैज हो, हैव हो, हैड, विल, शैल, कुछ भी हो, अगर कोई सहायक क्रिया कर्ता के पहले आ जाएगी तो वो हमेशा एक ही मीनिंग देगी, क्या। लेकिन हमें पहचानना होगा कि वाक्य कौन से, क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा। डिड पहले आया, फिर सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लिखा है, और क्योंकि वाक्य में डिड का प्रयोग हो चुका है इसलिए वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने देखा लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट, और वहां एक और प्लस लगा हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, बचे कुछ वाक्यों को हम ऑब्जेक्ट के बाद जमा देते हैं शब्दों को। तो हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल, क्या उसने किताब पढ़ी, अ बुक, डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी। डिड पहले आया, सब्जेक्ट था उसने ही, पढ़ी को हम लोग बोलते हैं रीड, अ बुक, किताब, क्या उसने किताब पढ़ी। अब इसी के एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। रूल नंबर टू, यदि अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहां आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डिड, फिर कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको हमने सब जमा के देख लिया है। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहां आया, बीच में आया, शुरू में नहीं आया, कहां आया, बीच में, तो इन शब्दों की इंग्लिश कर लो। जैसे अब नहीं मालूम है तो आप लोग लिख सकते हैं, कब का मतलब होता है व्हेन, क्यों का मतलब होता है व्हाई, व्हाट, क्या, वेयर, कहां। तो ये शब्द अगर आए हैं तो सबसे पहले इन्हीं शब्द को लिखते हैं। जैसे हमने बोला राम कहां गया, तो कहां आया, तो इसलिए सबसे पहले शुरू करेंगे वेयर, फिर इसके बाद लिखा हुआ है डिड, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, क्योंकि डिड आ चुका है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो शब्द वाक्य के बीच में दिया हुआ है, कब, क्यों, कहां, क्या, उसको इंग्लिश में लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। इसके आगे देखते हैं उदाहरण। अगर ना, कौन सा, ये चीजें आई हैं तो संबंधित नाउन भी आते हैं, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन भी आते हैं, इनसे संबंधित मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं वो नाउन भी इन्हीं के साथ आता है। ठीक है, हाउ मच, कितना, ठीक है, हाउ मेनी, कितने, कौन सा, विच, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर मीनिंग नहीं मालूम है तो आप लोग मीनिंग नोट्स कर सकते हैं, कि कितना अगर पूछा है तो हाउ मच बोलते हैं, कितने पूछा है तो हाउ मेनी बोलते हैं, कौन सा पूछा है तो विच बोलते हैं, ये संबंधित नाउन्स भी उनके साथ आते हैं। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी, फिर ये दोनों, ये तीन चार नियम जो हैं ये बहुत ध्यान रखेंगे, आपको आगे भी हमेशा लाइफ में काम आएंगे, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश के ट्रांसलेशन करने में और सीखने में। आगे हम कुछ उदाहरण देखेंगे इन्हीं के,
इन नियमों के आधार पर उदाहरण देखेंगे। इसमें एक नियम और है, रूल नंबर 5, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य अगर हो उसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो देखो उसका नियम नीचे लिखा हुआ है, शब्द जो प्रश्न वाला शब्द है वाई, फिर डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये नियम भी आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य के लिए लिख सकते हैं। तो अभी तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे थे, एक ऐसा था जिसमें हमने पहले नेगेटिव देखा फिर इंट्रोगेटिव देखा, एक ऐसा भी होता है जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, मतलब प्रश्नात्मक भी हो और नकारात्मक भी हो, नेगेटिव भी हो। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव को बदलने के लिए केवल कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं, वही नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव होता है उसी का नियम चलता है, लेकिन कर्ता के बाद इसमें नॉट भी आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। नियम लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्लाइड पर, वाई प्लस डेड, या वाई की जगह वेन भी हो सकता है, वॉट भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस सी, अब इन्हीं से संबंधित एक्सरसाइज है जो आपने अभी नियम देखे, इन्हीं से संबंधित एक्सरसाइज आप लोग सामने देख सकते हैं। क्या उसने किताब पढ़ी, अब देखो क्या शुरू में आया है या बीच में, शुरू में आया है। तो इसमें जब शुरू में क्या आता है तो हम लोग ने अभी देखा था क्या लगाते हैं वाक्य के पहले, डिड, फिर क्या लगाते हैं डिड के बाद, सब्जेक्ट, डिड ही, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है पढ़ी, पढ़ी को हम लोग बोलेंगे रीड, और बुक, डिड ही रीड अ बुक, क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, फिर से क्या आया, तो शुरू में क्या लगाएंगे, डिड, मैंने को क्या बोलते हैं आई, फिर देने को क्या बोलते हैं गिव, डिड आई गिव यू अ पेन, ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरा देखिए, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती थी, डिड योर मदर नॉट लव्ड यू। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का उदाहरण था, क्या वह यहां नहीं आती थी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, ये सारे के सारे वाक्य जो हैं उन्हीं चीजों पर जो आपने अभी पीछे नियम पढ़े थे, रूल नंबर 1 जिसमें हमने नेगेटिव पढ़ा था, रूल नंबर 2 जिसमें हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा था, फिर लास्ट में हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा था, फिर हमने इंट्रोगेटिव में दो तरह के प्रश्नात्मक वाक्य पढ़े थे, एक जो क्या से शुरू होते हैं, दूसरे जिनमें क्या, क्यों, कैसे, कब बीच में आता है, ऐसे वाक्यों को भी पढ़ा था, सबके स्ट्रक्चर अलग अलग थे, हमने सबका ट्रांसलेशन भी पढ़ा। अब इन वाक्यों को आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर नोट कर लिया हो तो मैं आंसर्स तो आपको शो करूंगा स्लाइड पे, आप अपने आंसर्स से इनको मैच कर लीजिए। क्या आप लोगों ने किए सॉल्व इनको, तो अगर आपने नोट कर लिए हैं तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए और फिर उसको ध्यान से देखिए क्या हमारे नियम अनुसार हमने इनको सही किया है। आंसर देख सकते हैं फर्स्ट वाले का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट वन, डिड ही रीड है बुक, क्या उसने किताब पढ़ी, डिड आई गिव यू ए पेन, क्या मैंने तुम्हें पेन दिया, डिड योर मदर नॉट लव यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती, डिड शी नॉट कम हियर, क्या वह यहां नहीं आई, वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे, देखो तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे, क्यों मैं आया तो वाई को लेके गए, फिर डिड लगाते हैं, फिर तुम सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, फिर विथ और मी। तो अगर आप उन स्ट्रक्चर्स को, उन नियमों को ध्यान में रखते हैं तो ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। इसको ध्यान में रखें, आंसर्स नोट कर लिए हैं तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। फिर और भी एक्सरसाइज है,
तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? मोहन कब लौट कर आया? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? ये सारे के सारे वाक्य अगर आप नोट करें तो मैं इनके आंसर्स बता देता हूं। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? मोहन कब लौट कर आया? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? तो आप लोग देख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चंस हैं तो इनके आंसर्स ये हैं। आंसर नंबर 6, हूज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम? वेयर योर ब्रदर गो यस्टरडे? When did Mohan return? How many boys did not come to the class? How much milk did the baby drink? ये सारे के सारे उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो अभी हमने लिखे थे। आप लोग इस तरह से जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। अगर आपने ये नोट नहीं किया तो ये हिंदी वाले सेंटेंस एक बार फिर देखिए जो हमने देखे थे, और इनके आंसर्स मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा। ध्यान से देखेंगे, पहला वाला, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी? तुम्हारा भाई कल कहाँ गया? मोहन कब लौट कर आया? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए? उस बच्चे ने कितना दूध पिया? एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस जो आपको डिफिकल्टीज देंगे, ऐसे सेंटेंस को किस तरह करना है, इनके आंसर्स देखकर आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या आप लोगों ने नोट कर लिए? जिन बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ, पिपरिया होशंगाबाद के बच्चों को देख पा रहा हूँ, क्या आपने नोट कर लिए? हाँ तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इनको, और इनके आंसर्स भी देख लीजिए। आंसर्स बहुत जरूरी हैं, आप आंसर्स देखेंगे। होशंगाबाद के बच्चों को देख रहा हूँ मैं, छिंदवाड़ा के बच्चों को देख पा रहा हूँ, क्या आप लोग ने नोट कर लिए क्वेश्चंस? तो एक बार इनके आंसर्स जरूर मैच कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे जो आप ट्रांसलेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिए, हूज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम? किसकी किताब तुमने क्लास में पढ़ी, कक्षा में? नेक्स्ट देखिए, Where did your brother go yesterday? ये दूसरे का ट्रांसलेशन है। तीसरे का है, When did Mohan return? उसके बाद जो नाइन्थ था उसका है, How many boys did not come to the class? Sixth one, whose book did you read in the classroom? Seventh is, where did your brother go yesterday? Eighth one is, when did Mohan return? Ninth one is, how many boys did not come to the class? And tenth one is, how much milk did the baby drink? अगर आपने हिंदी के नोट किए होंगे तो अगर इनको मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्वेश्चंस को कैसे किया है। जिस वाक्य में शुरू में ही क्या लिखा हुआ है उसमें मैं डिड का यूज करता हूँ, जिसमें बीच में प्रश्न वाला शब्द है उसमें वो प्रश्न वाला शब्द जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसके आगे डिड लगाता हूँ, फिर सब्जेक्ट लगाता हूँ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ, फिर ऑब्जेक्ट लगाता हूँ। जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव उसमें वो शब्द में पहले ट्रांसलेट करता हूँ प्रश्न वाला, फिर डिड लगाता हूँ, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाता हूँ और फिर ऑब्जेक्ट लगाता हूँ। तो सारे के सारे रूल जो हमने शुरू से देखे वो आप याद रखेंगे तो सब तरह के सेंटेंस को आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे।